वेलकम गाइस, जे कलोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे कलोन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, हमारा जो पिछला वीडियो था उसका सेकेंड पार्ट है, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है, तो चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं 50-50। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सही मिलान की जोड़ी का चयन करें, यानी कि सेलेक्ट द करेक्ट मैच पेयर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है राइबोसोम, एकल झिल्ली, न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रान, सेंट्रियोल विदाउट मेम्ब्रान, या फिर प्रोसीसोमेस सिंगल मेम्ब्रान। सही मिलान की गई जोड़ी का आपको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें गलत मैच किया हुआ है, ओनली एक ही ऑप्शन सही है जहाँ पर सही मैच हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर सही मैच हो रहा है, टिक लगा दो गाइज, किसी पे भी लगा दो आप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो मैं बताऊंगा ऐसे, क्योंकि आप सही लगाओ या गलत लगाओ, बट इसका करेक्ट आंसर तो मैं आपको बताऊंगा। सो लगा दिया, सो चेक नाउ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तारक केंद्र झिल्ली के बिना, यानी कि सेंट्रियोल विदाउट मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर क्या है, सही चेन मिलान किया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि तारक केंद्र झिल्ली के बिना, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, याद रख लेना गाइज। अगर याद नहीं रखते हो तो वीडियो को दो से तीन बार देख लिया करो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप दो से तीन या चार बार भी देखोगे तो आपको ईजिली याद रह जाएगा और लाइफ टाइम याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट इसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपके लिए, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और लाइक भी अच्छे आ रहे तब भी इतनी मेहनत हम करते हैं, लाइक बहुत अच्छे आ रहे उनके हिसाब से वीडियो बनाना मान लो, और सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं और शेयर भी आ रहे हैं, क्योंकि आप शेयर करते हैं वीडियो को, मेरे को पता है जिनको इनकी ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन है, अंडों में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को, यानी कि अंडों में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा में प्रवेश करना होता है, जिसके आपको पता है लेयर एक्स की, ठीक है, इस कार्य में मदद करता है, यानी कि फॉर द एंटरिंग द ओवम द स्पर्म पेनेट्रेट द कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा विद द हेल्प ऑफ, पता है ना गाइज आपको, अंडाणु की बार कोरोना रेडिएटा लेयर होते हैं, जोना पेलुसिडा लेयर होती है। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए कि योनि की अम्लीय परत, एसिडिक लेयर ऑफ वेजाइना, या फिर एंजाइम रिलीज बाय ओवम, या फिर आपका शुक्राणु द्वारा स्त्रावित जोनालाइसिन, या फिर परतों में उपस्थित, अब देख लो यहाँ ऑप्शन से आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है कि शुक्राणु से स्त्रावित जोनालाइसिन, ठीक है, परतों में उपलब्ध मुको प्लूसकार, यानी कि लेयर होती है ना, म्यूको पॉलीसेक्राइड इन द लेयर। सो आपको राइट ऑप्शन बताना है इसका। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शुक्राणु द्वारा स्त्रावित जोनालाइसिन, ठीक है, जोनालाइसिन रिलीज फ्रॉम द स्पर्म। अगला क्वेश्चन है, हाँ, शुक्राणु द्वारा स्त्रावित जोनालाइसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ऐसे यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है 100%। निम्न में से कौन से हार्मोन के बाद होने रजोधर्म का तत्काल कारण बनता है, विथड्रॉवल ऑफ विच ऑफ द फ्लोविंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेस्ट्रुएशन, यानी कि एस्ट्रोजन बनता है, या फिर टेस्टोजोन बनता है, FSHRH बनता है, या फिर FSH आपका बनता है। निम्न में से कौन से हार्मोन के बॉन्ड होने पे, ठीक है, रजोधर्म का तत्काल कारण बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गाइस, और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, और आंसर भी सही किया होगा आपने इसका, लगा दिया टिक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन। क्यों होगा, कैसे होगा, सबको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मादा जनन तंत्र, ये तो सबको पता है, सब जानते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये आपकी फ्लोइंग ट्यूब हो गई, ये आपका ओवरीज हो गए, दोनों तरफ ओवरीज होते हैं, ठीक है, और ये आपका सर्वाइक्स हो गया, ये आपकी वेजाइना हो गई, ये आपका यूट्रस हो गया, ठीक है, अब यहाँ से फ्लोइंग ट्यूब हो गई, तो आपको पता है ओवरीज में क्या होते हैं, प्राथमिक पुटक होते हैं, द्वितीय पुटक होते हैं, ठीक है,
तो उनसे क्या बनता है आपको पता है, कार्पस लूटियम, कार्पस एल्बिगेंस सबने सुना है ठीक है। कार्पस लूटियम जो बनता है येलो स्क्रल येलो कलर का, वो क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, सिंपल सी बात है प्रोजेस्टेरोन का ठीक है, करता रहता है ये कार्पस लूटियम। अब मान लो यहाँ पर मान लो यूट्रस में अगर कोई शुक्राणु नहीं आया विजयने के थ्रू, विजयने से आएगा ठीक है, अगर कोई स्पर्म नहीं आया और ए का फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कार्पस लूटियम है ये कार्पस एल्बुकेंस में बदल जाएगा सफ़ेद वाइट कलर की संरचना में, और आपका प्रोजेस्टेरोन का सिग्रेशन बंद हो जाएगा क्योंकि इसका काम तो कार्पस लूटियम कर रहा था और वो कार्पस एल्बुकेंस में बदल गया। अब कौन करे, वो तो बदल गया, तो ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन की कमी हो गई और इस कमी के कारण ही आपके जो यूट्रस की अंदर की एंडोमेट्रियम लेयर है उसका ब्रेकडाउन होकर ब्लड के रूप में यूनि के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आप बोलते हो। तो इसका कारण क्या है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी ठीक है। चलते अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अगला क्वेश्चन है, हार्मोन जो केवल गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में उत्पादित होते हैं, द हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस इन ओमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चार ऑप्शन दे दिए आपके सामने, एस्ट्रोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, मानव प्लेसेंटल लैक्टोज आपका जो लैक्टोजेनो होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ऑक्सीटॉक्सिन, या फिर आपका मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलैक्सिन, या फिर आपका मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन थायरोक्साइन। हार्मोन जो केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लगा दिया होगा टिक, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानव प्लेसेंटल लैक्टोजन, मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन रिलैक्सिन, होमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, होमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन रिलैक्सिन राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन थर्ड। चलते आगे को, ग्लूकोज और एमिनो एसिड कहाँ पर अवशोषित होते हैं गाइस, ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द हेंडले लूप, मैंने आपसे बोला था ना, कलेक्टिंग डक्ट या फिर डिसेंटिंग डक्ट या फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब। ग्लूकोज और एमिनो एसिड का अवशोषण कहाँ होता है, ये आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम में याद होना चाहिए, ये आपका वुमन सपोर्ट होता है, ये आपकी असेंडिंग डक्ट होते है, ये यहाँ पर आपका यू शेप का हेंडले का लूप होता है, फिर असेंडिंग फिर डिसेंडिंग होते है ठीक है, डिसेंडिंग फिर असेंडिंग होती है चढ़ा हुआ ठीक है, और फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो यहाँ पर तो किसका ऑब्जर्वेशन होता है, हेनले के लूप पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है, ये जगह आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी, बन सकते हैं यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और ये सब आपको आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम वाले चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो इसको 100% करेगा ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनले का लूप जो होता है वहाँ से कौन से पदार्थों का आप ऑब्जर्वेशन होता है, कलेक्टिंग डक्ट से किसका होता है, डिसेंडिंग डक्ट से किसका होता है, प्रॉक्सिमल से किसका होता है ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड का कहाँ पर होता है, तो टिक लगाओ सही जगह, लगा दिया होगा। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समीपस्थ स्वायत्त नलिका यानी कि प्रॉक्सिमल ट्यूब में होता है गाइस ठीक, किसका, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का अवशोषण आपके प्रॉक्सिमल ट्यूब में होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि फेफड़ों के श्वसनी में ए उपकला मौजूद है, बी उपकला अग्नाशय नलिका में मौजूद है, सी एपिथीलियम पित्त नलिका में मौजूद है। तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एक कॉलम आपके लिए दिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा गाइस, लॉन्ग है बट इजी है,
जो क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग होता है ना वो उतना इजी होता है, क्योंकि उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो क्लियर कर ही दी। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन सल्की, सरल सल्की या फिर सरल घनाकार या फिर सरल अष्टमाकार, ए बी सी। ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में कार्पस जो सिलुटियम होता है का मुख्य कार्य किस चीज़ का उत्पादन करना है। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कार्पस लूटियम, अभी पढ़ के आए थे, मैंने आपको पढ़ाया था, इज टू प्रोड्यूस। तो आपको कार्पस लूटियम का फंक्शन बताना है, केवल रिलैक्सिंग, क्या रिलैक्सिंग का सिग्रेशन करता है कार्पस लूटियम, या फिर मानव कोरोनिक का, या फिर केवल एस्ट्रोजन का, या फिर केवल प्रोजेस्ट्रॉन का, बताइए किसका करता है। अभी तो हम पढ़ के आए थे ना कि कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाता है, तो सबको पता है कि प्रोजेस्ट्रॉन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये प्रोजेस्ट्रॉन का सिग्रेशन करता है कार्पस लूटियम, प्रोजेस्ट्रॉन का सिग्रेशन। ओके, चलते आगे एक और, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मैट्रिक्स है, मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरोस, पॉली एक्रिलोमाइड, सल्फेट ब्रोमाइड या फिर एचडीएम ब्रोमाइड। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, लगा दिया टिक, तो चेक कर लेते हैं गाइस। एग्रस, एग्रस का यूज होता है आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। और गाइस टिक पहले आप लगाया करो जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि राइट ऑप्शन तो मैं बता ही रहा हूँ, वैसे साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जितनी गलतियाँ आप यहाँ पर करोगे उससे ज़्यादा तो आप सीख ही जाओगे, बट वहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वहाँ पर तो आपको सही पे टिक लगाना है। और आपको पता ही है बीएस नर्सिंग का स्कोप कितना ज़्यादा है, हर जगह डिमांड है, और आने वाले समय में तो और ज़्यादा डिमांड बनेगी इसकी, बीएस नर्सिंग की, ठीक है, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, बीएस नर्सिंग कर लिया तो कोई बेरोज़गार रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी नॉलेज दी जाती है, प्लस ट्रेनिंग दी जाती है, प्लस 4 साल में आपको डिग्री यानी कि कंप्लीट ग्रेजुएशन डिग्री दे दी जाती है, कोई मास्टर डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट है 4 साल में मामला, लाइफ सेटअप, ठीक है, तो बस आप तो नंबर लेके आ जाओ, ये आपसे उम्मीद है, और जितनी मेहनत आप करवा सको हमसे करवा सकते हो, ठीक है, बट आपके लाइक सब्सक्राइबर आते रहेंगे तो हम वैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने का प्रयत्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जेड जेड और जे डब्ल्यू प्रकार के लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जेड जेड जे डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन सीन इन कॉकरोच में, या फिर स्नैल में, या फिर आपके पेलेटिपस में, या फिर पिकॉक में, किसमें देखा गया है गाइज। ये क्वेश्चन आपके 12 एनसीईआरटी से लिया गया है, 12वीं की हायर सेकेंडरी की जो बुक है ना वहाँ से। आई होप आपने टिक लगा दिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पिकॉक मोर में, यानी कि ज़्यादातर पक्षियों में देखने को मिलता है, ठीक है, ये इस प्रकार का जेड जेड डब्ल्यू जे डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है, और आपके बेस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर 11th और 12th से क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, बाहर से क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट सेगेंट के साथ मिलान सूची फर्स्ट और सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सूची फर्स्ट सूची सेकंड, ठीक है, जर्म प्लसम सिद्धांत, जीन लेमार्क दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है इंटरहेंट इन ऑफ द एकार्ड कैरेटगास, यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूगो द यूवरिच, म्यूटेशन सिद्धांत, लुई पाश्चर, तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पर बताना है गाइस, ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ये देखिए एडजस्ट कर लेते इसको,
सो गाइस, जर्म प्लाज्मा थ्योरी किस पे जाएगा, किसने दी थी जर्म प्लाज्मा थ्योरी? फोर। और आपका जो सेकंड है, इंटेंट्स ऑफ द एकार्ड करेक्टर्स, किसने दिया था? जीन वेटर लेमार्क ने और म्यूटेशन ह्यूगो ड्यूरिस ने। तो सिंपल सी बात है, आपका राइट ऑप्शन क्या होगा ए बी सी में, आपका क्या होना चाहिए? 412, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, चेक नाउ, ए बी सी 412 बिल्कुल सही है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये देख लो। यानी कि ए में आपका 4 जाएगा और बी में फर्स्ट और सी में 2। कितना अच्छा सवाल था। और बीएस नर्सिंग की तो स्कोप इतनी ज़्यादा है गाइस, क्या बताऊँ आपको, हर सेक्टर में स्कोप है गाइस। टीचिंग सेक्टर में देख लो आप, मेडिकल सेक्टर में देख लो आप, एजुकेशनल सेक्टर में देख लो आप, रेलवे में देख लो आप, यहाँ तक कि क्या बताऊँ आपको, एयरवे में देख लो, एयरपोर्ट्स में देख लो आप, मिलिट्री में देख लो आप, मतलब जहाँ देखो जहाँ स्कोप है, क्या करे, स्कोप इतना है, बताने बताए थक जाए। चलते आगे को, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है गाइज? फाइनल ग्रंथि की उपस्थिति वृहत आचा में होती है, यानी कि आप इंग्लिश का सारा ले सकते हो, हिंदी समझ में नहीं आते हो तो, पीनियल ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिनल। अल्फ्रेड गिलमेन ने सी ए एम पी की भूमिका की खोज की। एस्ट्रोजन और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का स्तन ग्रंथियों पर प्रभाव में सक्रियता होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, राइट ऑप्शन आपको बताना है जी। क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, आराम से आंसर दो, एक्साइटेड नहीं होना है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट थर्ड, यानी कि आपका फर्स्ट और थर्ड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी है। चलते आगे की ओर, और गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ए प्लाज्मिड, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, प्रतिकृति नहीं कर सकता, स्वतंत्र वर्गीकरण दिखाता है, स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं, गुणसूत्र के साथ मिलता है। प्लाज्मिड के बारे में आपको सही टिक लगाना है। ए प्लाज्मिड कैन नॉट रेप्लिकेट, सौ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली लाई टुगेदर विच क्रोमोसोम। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति कर सकते हैं, यानी कि कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। अगला क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को किस वर्ग में प्रकाशित किया गया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन वाज पब्लिशेड इन विच ईयर? 1869, 1879, 1849, 1859। सही पे टिक लगा दो गाइज, कितने क्वेश्चन आपके सही जाते कमेंट में बता दिया करो, और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखा करो, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज 1859। ठीक है, और जो स्टूडेंट इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते, अपना टाइम टेबल सेट कर लिया करो कि 5 दिन बाद वापस ये वीडियो देखनी है, ताकि रिवीजन हो जाए और हमको याद हो जाए, तो आपका ही भला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेगा कार्योसाइट है, मेगा कार्योसाइट आर द लिम्फ में पाए गए फागोसाइट्स, वह कोशिकाएं जो एंटीजनों के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, अस्थि मज्जा की कोशिकाएं जो थ्रोम्बोसाइट को जन्म देती है, या फिर कम्फेक्ट हड्डी के उत्कोक में लैमेले के रिक्त स्थानों के बीच पाए जाने वाली कोशिकाएं। मेगा कोरोसाइट के बारे में आपको बताना है जी, चार ऑप्शन आपके सामने है। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका
अस्थि मज्जा की कोशिकाएं जो थ्रोमोसाइट को जन्म देती है वो होती है मेगा कारोसाइट है वो होता है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने क्वेश्चन आपके गलत किए आप बता सकते हो। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हमारा जीके MCQMK चैनल है, वहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रोजाना मिलते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपको दोनों चैनल से फ़ायदा हो जाए, इससे भी और उससे भी। तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ।